व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग सॉल्व्ड असाइनमेंट ऑफ EHI 01, मॉडर्न इंडिया 1857 to 1964। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस असाइनमेंट। इट इज़ वैलिड फ्रॉम जुलाई 23 टू जून 24। Question number 1 of the assignment is, discuss the rise of national consciousness in 19th century in India. Answer these questions in 500 words. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन है, डिस्कस द रोल ऑफ द इंडियन स्टेट इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर 1947। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, राइट अ नोट ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ऑप्शन है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। Answer these questions in 250 words. Question number 3, describe the early political activities of Mahatma Gandhi after his arrival from South Africa. इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, राइट अ नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंड द अर्ली एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। Thank you.
क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन द इंडियन नेशनल आर्मी INA. क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, डिस्क्राइब द इवेंट्स रिलेटेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्वराज पार्टी टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 वर्ड्स में आंसर करना है इसका. क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस के आंसर देने हैं जिन पे शॉर्ट नोट लिखना है. ए द नेहरू रिपोर्ट 1928, बी स्वदेशी मूवमेंट, सी बंकिम चंद्र एंड द डी इज ड्रेन ऑफ वेल्थ.